एपिसोड 180 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। तभी एक आदमी बोलता है, कुंजू किंगडम में इस तरह का इमॉर्टल कैसे आ सकता है। लूनर फेरी बोलती है, यह ताकतवर होगा लेकिन वो जुआन के सामने कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ जुआन बोलता है, चैन बैक्सोन, तुम्हें यहाँ पर आने नहीं चाहिए था। 300 साल पहले मैं 9 लोगों को हरा दिया हूँ, वो भी बहुत ही ताकतवर इंसान को। चाहे वो लोग कितना भी ताकतवर हो, वो लोग कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं पाए थे। तुम अभी भी जवान हो, इसलिए मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला, मेरे सेक्टर में ज्वाइन होकर ताकतवर बनो, या फिर मेरे हाथों से मरो। चैन बोलता है, तुम इसके लिए काबिल नहीं हो अभी। ज्वाइन गुस्से में बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, किसी ने भी मुझसे ऐसा बात करने की हिम्मत नहीं किया है। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता है। उसके चिल्लाने से एक पहाड़ पूरी तरह टूट जाता है। लूनर बोलती है, यह चैन बैक्सियन पक्का मरेगा। चैन उसके फोर्स फील्ड से निकल जाता है, बोलता है, क्या इतनी ही ताकत है क्या तुम्हारा। जॉन बोलता है, तुम मेरे फोर्स फील्ड से निकलने में कामयाब हो गए। फिर वो चैन को जमा देता है। चैन आराम से वो बर्फ के सेल को तोड़ देता है। जॉन अपने मन में बोलता है, ये तो एक ही उंगली से मेरे हमले से बाहर निकल आया। फिर वो बोलता है, चैन बैक्सियन, मैं सही में तुम्हें कमजोर समझा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा असली ताकत। इसी कारण कुंजू में कोई भी मुझे हरा नहीं पाता है। तलवार, बाहर आ जाओ। चैन बैक्सियन, यह है मेरा एमरल्ड ट्वाइलाइट तलवार। ये मेरे साथ पिछले 400 साल से है। इसने अभी तक 173 लोगों को मार डाला है। अब अगला बारी तुम्हारा है। फिर उन लोगों का मारपीट स्टार्ट हो जाता है। चैन बोलता है, तुम मुझ पर हमला करके कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। फिर जॉन अपने तलवार से चैन पर हमला करने लग जाता है और चैन उसका हमला अपने हाथों से रोक देता है। लूनर ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, ये तो जॉन सेक्टर का सबसे ताकतवर तलवार है ना, फिर भी ये चैन को काट नहीं पा रहा है। तभी चैन चिल्लाकर बोलता है, ना तलवार, बाहर आओ। हे जॉन, तुम तो सही में ताकतवर नहीं हो। तभी जॉन गुस्से से चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन आराम से उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, ये तलवार इतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। जॉन अपने मन में बोलता है, ये लड़का सबसे ताकतवर मेरा दुश्मन है। फिर वो चिल्ला के बोलता है, म्यूजिक, तलवार, टेक्निक, सभी डायरेक्शन से हमला करो। सभी डायरेक्शन से चैन को घेर लेता है और सभी बादल उसे लपेट लेता है। चैन आराम से वो सभी बादल को काट डालता है और बोलता है, हे जॉन, क्या तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है क्या। फिर वो उस पर हमला कर देता है। जॉन अपने इनविजिबल तलवार का टेक्निक का इस्तेमाल करके चैन के हमले से बच जाता है। फिर चैन पर शॉर्ट फिंगर से हमला कर देता है। चैन बोलता है, ये बेकार है। फिर वो लोटस से हमला कर देता है और बोलता है, इस हमले से बच के दिखाओ। जैसे वो लोटस जॉन को टच करता है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन जॉन किसी तरह वो धमाके से बच जाता है और अपने मन में बोलता है, अगर मैं फिजिकल कल्टिवेशन और स्पिरिचुअल टीचर का इस्तेमाल नहीं करता अपने आर्मर को सख्त बनाने के लिए, तो मैं इस धमाके से कभी बच नहीं पाता। चैन उसकी ओर जाते हुए बोलता है, अब तुम मेरे एक पंच से मरने वाले हो। जॉन बोलता है, तलवार, सामने आओ, एडन का तलवार, इस पर हमला करो। वो बोलती है, दादा, ये किस तरह का तलवार है। उसका दादा बोलता है, ये लेजेंडरी डिवाइन पावर है। इसका इस्तेमाल करते हुए अभी तक कोई भी देखा नहीं है। मुझे नहीं लगा था कि यह चैन बैक्सियन को हराने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। चैन बोलता है, अब मैं तुम्हें अपना डिवाइन ताकत दिखाता हूँ। फेरी, गोल्डन आई, डिवाइन वेपन, जल्दी सामने आओ। फिर उन दोनों के बीच बहुत ही तगड़ा मुकाबला होता है और वो लोग पानी में गिर जाते हैं। सब लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकलो। जॉन गुस्से में बोलता है, अब तुम अपनी मौत को बुला ली हो, तुमने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया है, तुम्हारे मरने के बाद ही मेरा गुस्सा शांत होगा। चैन बोलता है, फ्रॉस पिल फेस, तो तुम वाइटलिटी पिल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है, जॉन के पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए वो अपना वाइटलिटी पिल का इस्तेमाल कर रहा है। जैन बोलता है, ये वाइटलिटी पिल तो एक गोल्डन कोड लेबल का है ना, ये पिल बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। इसके अंदर 100 साल का ताकत छिपा होता है। जब ये ताकत रिलीज किया जाता है, इससे कुछ देर के लिए गोल्डन कोड लेबल का ताकत का इस्तेमाल कर सकता है वो आदमी। लूनर बोलती है, ये वाइटलिटी पिल तो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है ना, जब ये ताकत रिलीज होता है तो उसे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और इसके बाद वो कभी भी गोल्डन कोड लेवल में पहुंच नहीं पाएगा। दूसरी तरफ चैन बोलता है, तुम्हारे पास फ्रॉस्ट पिल हुआ तो क्या हुआ, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो, देखो मैं तुम्हें कैसे तबाह करता हूँ। तभी चौहान चैन को एक मच्छर की तरह मसल देता है और बोलता है, अब बताओ। तभी चैन आराम से वो सील से निकल जाता है। फिर जॉन उस पर चारों तरफ से तलवार से हमला कर देता है। तभी कुनपेन आकर उसके सभी हमले को खा लेता है। चैन बोलता है, मैं बोला था ना, तुम ताकतवर नहीं हो, उसके अलावा मैं अभी तक अपना पूरा दम लगाया नहीं हूँ। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक आदमी बोलता है, ये तो आधा चिड़िया और आधा मछली है। जैन बोलता है, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये एक एंशियंट डिवाइन है, इसे रॉक और कुनपेन भी बोला जाता है। सही में चैन बैक्सन बहुत ही ताकतवर है। लूनर बोलती है, मास्टर तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में है।
तभी जोहन एक बड़ा सा पहाड़ उठाकर चैन की ओर हमला कर देता है। एक आदमी बोलता है, ये पहाड़ को उठा ली इतनी आसानी से, ये तो सिर्फ प्राइमेवल गॉड ही कर सकता है। वो बोलती है, ये सही में बहुत ही ताकतवर है। तभी चैन वो पहाड़ को बीच से काट डालता है, फिर वो अपने आंखों से चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन को कुछ नहीं होता है। मैं अपने वाइटिलिटी पिल का इस्तेमाल करने के बाद भी तुम्हें हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ, अब मेरे इस गोल्डन कोड लेवल से बच के दिखाओ। चैन उसे एक जोर से पंच मारता है और वो पहाड़ में जाकर गिर जाता है। ये देखकर सब लोग सॉफ्ट हो जाते हैं, बोलते हैं, जोहन तो हार गया। दूसरी तरफ जोहन खुश होकर बोलती है, मास्टर चैन तो जीत गए। लूनर उसके पास जाके बोलती है, हे जोहन क्या तुम ठीक हो ना? लूनर बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ये बैटल हार गया हूँ। चैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अब इसे 7 बड़े सेक्टर तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। फिर सब लोग चैन को कॉन्ग्रेचुलेशन करने लग जाते हैं। चैन एक रूम में जाकर बे को बाहर निकाल देता है और बोलता है, क्या स्नो गॉड पैलेस में यंजू नाम की कोई लड़की है क्या? बे बोलती है, हाँ वो एक नॉर्मल सी लड़की है, उसके अंदर आइस स्पिरिचुअल रूट है, मैं उसे ज्यादा जानती नहीं हूँ। चैन बोलता है, मुझे बताओ क्या वो ठीक है कि नहीं? बे बोलती है, मैं सुनी कि 7 बड़े सेक्टर यंजू पर ट्रायल करने वाले हैं, उसे टॉर्चर करके पृथ्वी का जानकारी निकाला जाएगा और साथ ही साथ वो लोग कास्टिंग सोल पर भी करेगा। चैन बोलता है, ये सोल कास्टिंग क्या है? बे बोलती है, ये सोल कास्टिंग सबसे खतरनाक स्पेल है, इसका इस्तेमाल करके आत्मा को चोट पहुंचाया जाता है, इसमें कभी कभी बॉडी पूरी तरह राख में बदल जाता है। अभी यंजू का कल्टिवेशन नॉर्मल है तो वो मर सकती है। चैन बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ किसका इतना हिम्मत हो गया है, हम लोग अभी स्नो गॉड पैलेस जाएंगे। फिर कुछ देर के बाद वो लोग स्नो गॉड पैलेस में पहुंच जाते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन है माय लॉर्ड? फिर वो अपने मन में बोलती है। सभी लोग बोल रहे थे कि बे को कोई पकड़ लिया है, लेकिन वो बच के कैसे आ गई और उसके साथ ये लड़का कौन है? बे बोलते है, जल्दी से यंजू को लेकर आओ। वो लोग बोलते हैं, ठीक है मैम। दूसरी तरफ वो लोग यंजू पर हमला करते हुए बोलते हैं, लगता है कि मुझे यहाँ पर ब्रदर कॉन्ग को बुलाना होगा तुमसे सवाल पूछने के लिए, फिर मैं देखूंगी कि तुम कैसे बताती नहीं हो। यंजू बोलती है, मैडम मैं सही बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि पृथ्वी में अभी भी अर्थ इमॉर्टल है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कॉन्ग बोलता है, बहन मुझे लगता है इसे सवाल पूछने के लिए मुझे कास्टिंग स्पेल का इस्तेमाल करना होगा, इतना सुंदर चेहरा होने के बाद भी ये बेकार है। वो बोलती है, मैं इसे चाबुक से और मारूंगी तो ये आसानी से बता देगी। तभी चैन चिल्ला के बोलता है, रुक जाओ। वो बोलती है, मेरा नाम वू हांगयान है, किसका इतना हिम्मत हो गया जो मेरे काम में दखल दे रहा है? यंजू बोलती है, मुझे लग रहा है ये तो चैन का आवाज है। चैन बोलता है, मैं कौन हूँ? मरने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। चैन के ऑर्डर से सभी लोग वहीं पर बैठ जाते हैं। वो बोलती है, इसका ऑर्डर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कॉन्ग बोलता है, माय लॉर्ड मैं क्लाउड हेवन का 3rd डिसाइबल हूँ, मेरा नाम कॉन्ग सैंग है, मैंने इस लड़की को यहाँ पर रखा है। फिर वो अपने मन में बोलता है, इसका ऑर्डर ताकतवर है तो क्या हुआ, जब ये हमारे मास्टर से लड़ेगा तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। चैन उस पर हमला करते हुए बोलता है, मर जाओ। ये देख कर सब लोग सॉफ्ट हो जाता है। वो बोलती है, तुम्हें पता है तुमने किसे मारा है? चैन उसे इग्नोर करते हुए यंजू के पास जाता है। यंजू बोलती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे, सही में तुम बहुत ही अच्छे हो। चैन उसे गले लगाते हुए अपने मन में बोलता है, यंजू से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसे बचाऊंगा, लेकिन इसे तो मेरी आंखों के सामने मारा जा रहा है, मुझे सही में बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तभी एल्डर वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, हे तुम कौन हो? चैन बोलता है, मैं वो हूँ जो तुम्हें मारेगा। एल्डर बोलती है, लगता है कि तुम्हें अपने जिंदगी प्यारा नहीं है। फिर वो अपने स्पिरिचुअल पावर से चैन पर हमला कर देती है। बे बोलती है, मास्टर चैन प्लीज माफ कर दीजिए इन्हें, लेकिन चैन तब तक उसका गला काट डालता है। एल्डर अपने मन में बोलती है, मैं स्नो गॉड पैलेस की एल्डर हूँ, मैं इसके एक हमले से बच क्यों नहीं पाई? चैन चिल्ला के बोलता है, जो भी ये स्नो गॉड पैलेस का इंचार्ज है जल्दी से मेरे सामने आओ। तभी वहाँ पर बहुत सारे एल्डर लोग आ जाते हैं। स्नो गॉड की आइस फेरी बोलती है, तुम हो कौन? तुम मेरे जगह में तबाही क्यों मचा रहे हो और यहाँ तक कि तुम मेरे फॉलोवर्स को पकड़े हो? चैन बोलता है, यंजू तुम्हारे लोग को स्नो गॉड पैलेस लाए थे, वो लोग इसे कल्टिवेट करने के लिए यहाँ पर लाए थे, लेकिन ये लोग इस पर सोल कास्टिंग स्पेल का इस्तेमाल करने वाले थे। क्या स्नो गॉड पैलेस अपने फॉलोअर्स लोग को ऐसा देखभाल करते हैं? आइस फेरी अपने मन में बोलती है, यहाँ पर सोल कास्टिंग हो रहा था, वो भी मुझे बिना बताए, ये सही में ये लोग बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं। तभी वो चिल्ला के बोलती है, वाइस लॉर्ड इसने एल्डर रॉन्ग को मार डाला है। आइस फेरी बोलती है, तो तुम यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आए हो क्या? चैन बोलता है, अगर मुझे जवाब नहीं मिला फिर मैं ये जगह को खंडर बना दूंगा।